हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 2 की। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली इंट्रोडक्शन था, क्या होता है मोशन इन अ प्लेन, स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों की हमने बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो पहले जाके आप उस वीडियो को देख लो। आज के वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे क्या होगा, या वेक्टर वेक्टर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सबके बारे में एक एक टॉपिक लेके बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो बेसिक हमारे चार मैथमेटिकल टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो आप, ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, जबकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने सिंपली एम और डी से रिप्रेजेंट किया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो एक चीज समझनी है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। ठीक है, एक में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है और दूसरे में स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो दोनों में एडिशन यानी स्केलर में और वेक्टर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है। एक एग्जांपल से आप समझना, अगर मैं लिखूं 4 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, तो आप आंसर क्या करोगे, 6 किलोग्राम। यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, किलोग्राम किलोग्राम में जुड़ रहा है, सो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, या 4 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 2 किलोग्राम। बट अगर मैं ही चीज लिखूं 4 किलोग्राम प्लस 2 मीटर, तो यहां पर हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि एक क्वांटिटी है हमारी मास और दूसरी क्वांटिटी है हमारी लेंथ। सो मास को लेंथ में आप कैसे जोड़ सकते हो, हम लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। 4 किलोग्राम में 2 मीटर को ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहां से हमें ये समझ आ गया कि भाई जब दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, सो स्केलर और वेक्टर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। अगर यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो हम लोग क्या लिख देते, 4 2 8 किलोग्राम मीटर। ठीक है, सो इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर देखेंगे किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करने पे क्या होगा, और उसके बाद बात करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करने पर। सो बारी बारी से देखते हैं। पहला टॉपिक हम डालेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। सो एज्यूम करते हैं ये है हमारा सपोज दैट वेक्टर ए, अगर इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर दें, एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर कैसा हो जाएगा, याद रखना जो लेंथ इसकी पहले थी, लेंथ इसकी एन टाइम्स बढ़ जाएगी, एन टाइम्स बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना फिर से, सपोज दैट ये वेक्टर था ए, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, सिर्फ लेंथ, डायरेक्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों, मैग्नीट्यूड जितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा। ये वेक्टर है, 10 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन वही रहेगी जो थी हमारी। यहां पर एक्सप्लेनेशन से समझते हैं ऐसा क्यों। देखो आप, जैसे कोई भी वेक्टर ए है, ये मैंने ले लिया वेक्टर ए, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, मैंने बोला था मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैं अलग अलग लिख ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी ये पूरी चीज, सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने बोला था ना कि मैग्नीट्यूड नंबर होता है, सो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है,
तो ओवरऑल नंबर कितना हो गया है, डबल हो गया है, जितना था उसका डबल हो गया है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर होगा उसकी लेंथ डबल होगी। एग्जांपल से आप यहां पर समझो, अगर कोई वेक्टर है, सपोज दैट वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये है हमारी वाई एक्सिस, सो 4i कैप यानी यहां कहीं पर 4 होगा, तो आप ऐसे बनाओगे। बट अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 × 4i कैप, सो 3 × 4 सा कितना आ जाएगा, 12i कैप, यानी हम समझ जाएंगे लेंथ हमारी थ्री टाइम्स बढ़ गई है, ये है हमारा वेक्टर 3a। तो सिंपली समझना क्या है कि अगर किसी वेक्टर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ n टाइम्स बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड n टाइम्स बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से डिवाइड करें तो क्या होगा, सो टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो अगेन हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये है हमारा वेक्टर ए, इसको मान लो डिवाइड करना है 4 से, एग्जांपल से समझते हैं, डिवाइड करना है 4 से, सो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो कितना होगा, यही होगा ना वेक्टर ए बाई 4। इसको आप कैसे देख सकते हो, इसको आप ऐसे बोलो कि वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 1/4 से, सेम चीज है ना, किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करना या फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करना, दोनों है तो सेम ही चीज। सो इस चीज को हम लोग ऐसे देखेंगे कि 4 से डिवाइड किया गया है मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो अब तो हमारे लिए आसान हो गया ना कि 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, यानी जितनी इसकी लेंथ थी 1/4 हो जाएगी, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो लेंथ हमारी 1/4 हो जाएगी, ये होगा वेक्टर ए बाई 4। सिंपली आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर किसी वेक्टर को n से डिवाइड करते हैं, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी लेंथ होती है, वो 1/n टाइम्स हो जाती है, ठीक है, वो भी n टाइम्स छोटी हो जाती है। ये है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई -1, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी था पर आसान है मेरे ख्याल से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय -1, -1 भी एक नंबर है, सपोज दैट ये है हमारा वेक्टर a, तो होता क्या है, जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -1 × a, तो फिर आपको मिलेगा क्या, -a। तो होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, 1 से मल्टीप्लाई होने पे किसी भी चीज की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन पहले उधर था उसके अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है, ये भी एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पर कोई वेक्टर ले लिया वेक्टर पी, और वेक्टर पी की वैल्यू है सपोज दैट 8i कैप, तो 8i कैप आप कैसे बनाओगे, 8 यूनिट इधर जाओगे i कैप के अलोंग, यानी ये है वेक्टर p। अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, सो -1 × वेक्टर p, ये हमारा आ जाएगा -vector p, सो इधर भी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से देखो, -1 × 8 × i कैप, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -vector p = 8 × -i कैप, 8 × -i कैप, यही कौन सा वेक्टर है, वेक्टर -p। तो ये चीज समझना है, यहां पर डायरेक्शन कौन सा हो गया है, -i कैप हो गया है, जो डायरेक्शन पहले i कैप के अलोंग था अभी वो डायरेक्शन -i कैप के अलोंग है, मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। सो -1 से मल्टीप्लाई करने पे जो वेक्टर होगा उसके सिर्फ डायरेक्शन पे चेंज आता है, मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं आएगा। चलो एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया गया -3 से, ये है कोई वेक्टर बी, और मैंने लिखा है सपोज दैट वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप -4j कैप +8k कैप,
अब इस रिप्रेजेंटेशन में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन से सारे टाइप्स सॉल्व करने आने चाहिए। सो अगर यहाँ पर है इस फॉर्म में और किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, तब तो हम लोग सीधे कर सकते हैं। कैसे? अगर सपोज दैट -3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, सो -3 वेक्टर भी आप इस पूरे टर्म को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -3 इंटू 2i कैप -4j कैप +8k कैप, ये आ जाएगा -6i कैप +12j कैप -24k कैप। तो यहां पर तो आसान है, यहां पर हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना होता है। चलो अगर यही वेक्टर भी मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया होता, तो -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से, तो आप एक काम करो, कैसे कर सकते हैं, -3 का मतलब क्या हो गया, -1 × 3 से मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी को, यही तो है हमारा -3b। तो कैसे करेंगे, पहली चीज माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यह है हमारा वेक्टर -b, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर b है तो यह है हमारा माइनस वेक्टर b। ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई जगह पे अगर आपको इसमें डाउट है तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो आई होप कि ये आसान है, आपको समझ भी आया होगा। अब बात करते हैं वेक्टर और वेक्टर के बीच में, स्केलर और वेक्टर के बीच में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं की। क्यों नहीं की, मैंने पहले भी बताया कि दोनों डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज हैं, बट वेक्टर और वेक्टर ये दोनों तो सेम है ना, तो इसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, याद रखना। अब यहां से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। पहले समझते हैं एडिशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है। आप ऐसे समझो कि ये है एक बॉडी, ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, सपोज दैट 50 न्यूटन का, आप फोर्स लगा रहे हो इधर 25 न्यूटन का, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, मैं भी 50 न्यूटन उधर लगा रहा हूं, आप भी 25 न्यूटन उधर लगा रहे हो। सो नेट फोर्स हम लोग अपने कॉमन सेंस से कितना बोल देंगे, 50 प्लस 25 यानी कि 75 न्यूटन, ठीक है। अगर इसी केस में 50 न्यूटन तो मैं इधर लगा रहा था बट आप इधर लगा रहे हो 25 न्यूटन, तो अब की बार क्या होगा, हमें पता है ना कि जब फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो आप कि अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, आपका फ्रेंड इधर फोर्स लगा रहा, सेम फोर्स लगा रहा, तो जो बॉडी है वो मूव ही नहीं करेगी, यानी दोनों कैंसिल कर जाते हैं, ये तो हमें पता ही है। सो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी तो फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं ना, मैं उधर लगा रहा आप इधर लगा रहे, मैं 50 लगा रहा आप 25 लगा रहे, तो रिजल्टेंट बॉडी किधर जाएगी, जाएगी तो इधर, क्योंकि मैं लगा रहा हूं 50, बट उतना इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि आप भी इधर लगा रहे हो, तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा हमें पता है 25 न्यूटन। ये जो 75 न्यूटन मैंने लिखा है, 25 न्यूटन लिखा है, ये तो हमने अपने कॉमन सेंस से लिखा है, बट ये एग्जैक्टली क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर जो हमारे लग रहे थे उनको अगर ऐड करेंगे तो 75 और 25 आएगा, अभी धीरे धीरे करके समझेंगे। तो एडिशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, 10 वेक्टर लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इधर लग रहा, कोई इधर लग रहा, कोई इधर लग रहा, तो वहां पर सबको ऐड करना हो तो हम लोग सीधे ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं सीधे ऐड कर सकते, यहां पर दिखाई पड़ रहा है ना कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तब तो सीधे ऐड हो गए 50 प्लस 25, बट जब दोनों वेक्टर अपोजिट थे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसी टाइप से अगर डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दें, ये ब्लॉक था, कोई इधर फोर्स लगा रहा, कोई इधर फोर्स लगा रहा, कोई इधर लगा रहा, कोई इधर लगा रहा, ऐसे 4-6 फोर्सेस लग रहे हैं, तो और हमको निकालना हो रिजल्टेंट की बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, तो वही रिजल्टेंट फाइंड करते हैं एडिशन से। दो वेक्टर्स का एडिशन करने का मतलब होता है उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। तो आई होप कि आपको मतलब तो समझ आ गया है। अब एडिशन करते कैसे है? इसकी बात की स्टार्ट करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हमें दोनों मेथड से पता होना चाहिए, दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे। देखो आप, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी,
वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा, ऐड करना है दोनों वेक्टर्स को। तो करते क्या है, किसी एक की टेल को दूसरे के हेड पे रखो। देखो इसका हमारा हेड कौन सा है, ये है हमारा हेड और ये है हमारी टेल। यहां पर हेड ये है और ये है हमारी टेल। किसी भी एक वेक्टर को आप स्लाइड करवाओ। स्लाइड करवाने का मतलब क्या है कि अगर ये वेक्टर ऐसा था तो डायरेक्शन नहीं चेंज करना, सिर्फ ऐसे स्लाइड करवा के लाके रख देना है। चाहो तो आप इसकी टेल को ले जाके इसके हेड पे रख दो या फिर इसके टेल को ले जाके इसके हेड पे रख दो, दोनों देखते हैं। बी को अगर ऐसे हम लोग स्लाइड करवा के लाके यहां पर रखें तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ये था हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी को स्लाइड करवा के यहां रखा तो इसका टेल इसके हेड पे आ गया कुछ इस तरीके से वेक्टर बी। तो बचा क्या, एक टेल और एक हेड अभी भी बचा हुआ है। इस टेल से यहां हेड पे ये डायरेक्ट आप ज्वाइन करो और जो ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, चलो अगर इसको हम लोग स्लाइड करते तो क्या होता, ये था हमारा वेक्टर बी, इसको स्लाइड करवा के लाके यहां पर रख रहे हैं तो कुछ ऐसा बनता, ये है वेक्टर ए, फिर से एक टेल बचा एक हेड बचा, ऐसे ज्वाइन कर देते ये हो जाता हमारा वेक्टर बी प्लस ए, यानी सेम ही चीज है ना, ए प्लस बी या बी प्लस ए। सो ये है ए प्लस बी, ये भी है ए प्लस बी, और अगर आप ध्यान से देखोगे एक डायग्राम को सही तरीके से बनाओगे तो लगभग दोनों सेम ही टाइप से नजर आ रहे हैं। तो ये है हमारा पहला मेथड कि अगर दो वेक्टर्स आपको इस तरीके से इस सिंबल में अगर रिप्रेजेंट किए गए हो तो फिर आप एडिशन कैसे करोगे। चलो दूसरी बात भी कर लेते हैं, ये है हमारा वेक्टर ए, सपोज दैट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 10j कैप प्लस 8k कैप। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्यों नहीं है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमको करना क्या है सीधे जोड़ देना है दोनों को, यानी कि 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप प्लस 4i कैप प्लस 10j कैप प्लस 8k कैप। एक चीज का ध्यान रखना है कि i i के साथ ही जुड़ेगा, j j के साथ और k हमारा k के साथ। सो 2i कैप प्लस 4i कैप यानी कि ये हो गया 6i कैप, 4j कैप प्लस 10j कैप यानी हो गया 14j कैप, और माइनस 6k कैप प्लस 8k कैप यानी ये हो गया 2k कैप। ये है हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, तो हमें समझ आ रही बात कि अगर आपको i j k के टर्म में दिया जाए तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है ऐड करने में। ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरीके से सिंबल बना के रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ये है वेक्टर ए ये है वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट निकालो तो एक की टेल को दूसरे की हेड पे रखेंगे ज्वाइन कर देंगे और जो ये बनेगा यही है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो आई होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देखो आप, ये है हमारा वेक्टर ए और अगेन ये है हमारा वेक्टर बी। अब की बार में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो अभी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने मान लिया हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो एडिशन पता है। एडिशन में क्या करते हैं, एक वेक्टर की टेल को स्लाइड करवा के दूसरे के हेड पे रखते हैं, जो एक टेल और एक हेड बचा इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, मिल जाता है ए प्लस बी। तो ध्यान से देखो आप, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या ये लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये लिख सकते हैं। हमें पता है ना कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस इनटू माइनस माइनस आ जाएगा, यही सेम चीज है। सो वेक्टर बी तो बना है, माइनस वेक्टर बी कैसा दिखेगा, अभी हमने पढ़ा था कि माइनस वेक्टर अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि अगर ये वेक्टर बी था तो ये हमारा होगा माइनस वेक्टर बी। अब माइनस वेक्टर बी हमारे पास है, वेक्टर ए हमारे पास है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सो सिंपली बोल सकते हैं इसको और इसको हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए तो हमें प्रोसेस पता है, क्या करेंगे, एक की टेल को उठा के दूसरे की हेड पे रखेंगे, देखते हैं, ये है हमारा वेक्टर ए और अगर इसको स्लाइड करवा के यहां पर रखेंगे ये है माइनस वेक्टर बी,
तो ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, सो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब एडिशन करते हैं तो मैंने बोला था अगर वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है, आप किसी को भी स्लाइड करवा के रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको स्लाइड करवा के रख रहे हैं। बट अगर सब्ट्रैक्शन है तो आपको देखना पड़ेगा कि माइनस वेक्टर बी है, सो बी को ही रिवर्स करके तब जोड़ना है, ठीक है। हमें पता है ना कि 2 प्लस 4 6 होता है और 4 प्लस 2 भी 6 होता है, यानी एडिशन में कोई भी आगे पीछे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सब्ट्रैक्शन में 4 माइनस 2 2 होता है और 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है। So, कहने का मतलब यह है कि जब सब्ट्रैक्शन रहेगा तो आप देखो कि किस वेक्टर के साथ माइनस का साइन लगा है, पहले आप उसको रिवर्स करो, वेक्टर माइनस बी बन गया, अब दोनों को जोड़ दो तो मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये तो हो गया पहले रिप्रेजेंटेशन से। दूसरे की अगर बात करें, अगेन अगर वेक्टर ए है सपोज दैट 10i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6 या फिर माइनस 3k कैप, वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, अगर हमको a माइनस b निकालना है तो फिर आप सीधे सीधे सॉल्व कर दो, वेक्टर a कितना है हमारा 10i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर b है हमारा, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे माइनस b है, सो 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा, देखो आप अंदर ये सारा जो भी प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, सो ये 2i कैप है 5i कैप है 2k कैप है, सारा प्लस में, तो सारे टर्म कैसे हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। ये भी मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, अब आप सॉल्व करो इसको, i का i के साथ ही हम लोग सॉल्व करेंगे, सो 10 माइनस 2 यानी कि 8i कैप, 4 माइनस 5 यानी कि माइनस j कैप, माइनस 3 माइनस 2 यानी कि माइनस 5k कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। सो अगर i j k के टर्म में दिया है तो हमें ये बात समझ आती है कि एडिशन करना भी आसान है और सब्ट्रैक्शन करना भी आसान है। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तरीका तो भाई पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल्स देखते हैं, देखो आप हमें पता है आई जे के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो हम लोग एरो वाली प्रॉब्लम को लेते हैं। सपोज दैट ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज दैट 20 और इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना वेक्टर ए लिख के मॉड लगा दो, मॉड लगाने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो इसका मैग्नीट्यूड है 20 और इसका मैग्नीट्यूड है 8। अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यानी कि दोनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट होगा निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक की टेल को स्लाइड करवा के दूसरे के हेड पे रखूं, सो ये हो गया वेक्टर ए और इसको स्लाइड करवा के यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने बोला था एक हेड पे टेल आ गया तो बचा क्या, एक टेल बचा और एक हेड बचा, तो ये जो वेक्टर पूरा बनेगा यही वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस केस में टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, हम लोग बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 20 प्लस 8 यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 28, ठीक है। ये समझो आप कि यहां पर बॉडी रखी थी, जब मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था और आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो हमने बोल दिया था रिजल्टेंट कितना होगा 70 न्यूटन। तो बेसिकली ये जो है लॉजिक है कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों डायरेक्टली जुड़ जा रहा था, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, आप एक की टेल को खिसका के ला के रखोगे तो जो टेल और हेड बचा है, ये जो पूरी लेंथ निकालोगे वो इन दोनों का डायरेक्ट सम होगी इस केस में, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई, अब कुछ चेंजेस करते हैं। इसी तरीके से एक चीज याद रखना कि अगर वेक्टर ए इधर है, शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं, ये 50 है, वेक्टर बी इधर है और कितना है ये 20 है, यहां पर आप देखो कैसे हैं, अपोजिट हैं,
वेक्टर्स अपोजिट हैं, एक उधर डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, दूसरा इधर कर रहा है। सो इस केस में जो हमको अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसकी टेल को उठा के यहां पर रखेंगे। ये है वेक्टर ए जिसकी लेंथ है 50, वेक्टर बी के टेल को लाके इसके हेड पे रखेंगे। तो अगर आप इसको स्लाइड करवा के ऐसे रखोगे तो कैसा बनेगा डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा। अब वेक्टर बी का जो टेल है वो ए के हेड पे है, तो बचा क्या, एक टेल बचा, हेड बचा, यानी ये वाला वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो यानी कि जो ये लेंथ निकलेगी कितनी निकलेगी, 50 माइनस 20, यानी कि लेंथ आ गई 30। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स डायरेक्टली अपोजिट हैं, यहां से फिर से समझते हैं, 50 न्यूटन इधर लग रहा था, 20 न्यूटन इधर लग रहा था, सो 50 इधर 20 इधर, तो रिजल्टेंट किधर आता है, हम लोग बोलते हैं 30 आता है इधर। तो ये जो 30 हमने निकाला था अपने कॉमन सेंस से, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो डायरेक्ट जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, हमें पता चल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर सपोज दैट ना ही वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हों और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों, तो क्या किया जाएगा। जैसे देखो आप, वेक्टर ए इधर है 80, इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी इधर है 60। अब मैंने बोल दिया, याद रखना कि वेक्टर ए जो है वो आई के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर बी किधर है, वाई के अलोंग है, यानी कि जे कैप के। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालोगे, बी के टेल को ए की हेड पे रखो, सो ये है हमारा वेक्टर ए, वेक्टर बी यहां पर हो गया, तो जो ए प्लस बी मिलेगा इधर मिलेगा, और ए प्लस बी इस केस में हम लोग निकाल सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब अगर ये 80 है, ये 60 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी ये 80 60, तो आ जाएगा 100, यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा 100। ठीक है, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे हमारे, जहां पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन थी, तो यहां पर हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। बट अगर किसी अदर एंगल पे लगने लगा, सपोज दैट कोई इधर लग रहा है वेक्टर, दूसरा वेक्टर सपोज दैट इस तरीके से है, तो कैसे जोड़ेंगे, अभी कुछ देर में हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। उससे पहले याद रखना कि अगर कोई वेक्टर डायरेक्ट आई जे के फॉर्म में दिया है तो हम लोग सीधे ऐड कर देते हैं, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। देखो आप, अब एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लिए और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए इजी इजी वैरायटी के, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर दे दी जाए, सपोज दैट ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, तो फिर कैसे आप ऐड करोगे। सपोज दैट दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब ऐड करना हमें पता है कैसे ऐड करते हैं, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, ये है हमारा वेक्टर ए, ऐड करने के लिए एक की टेल को दूसरे के हेड पे रखते हैं, बी पहले यहां पर था, आप इसको स्लाइड करवा के ऐसे रखोगे, तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, अब वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ए है, सॉरी वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये वाला है, तो ये टेल और ये जो हेड बच रही है, जब आप इसको डायरेक्ट से ज्वाइन करोगे तो ये होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज आप देखना कि अगर ये थीटा है और अगर आप इसको स्लाइड करवा के ऐसे लेके जा रहे हो, सो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि स्लाइड करवा के ले जा रहे हो, दोनों ये पैरेलल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सो उसी तरीके से मैं यहां पर इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूं, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसको हमने एक्सटेंड किया, ये है हमारा थीटा डिग्री। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमें वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वाला वेक्टर ए प्लस बी, ये कैसे निकालेंगे,
मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है कि ये वाली पूरी लेंथ निकालनी है। इसकी जो लेंथ है, मैं वेक्टर के सिंबल को हटा रहा हूं ताकि डायग्राम क्लियर रहे, इसकी जो लेंथ है इस वाले वेक्टर की वो ए है, इसकी लेंथ कितनी है बी है, और इसकी लेंथ कितनी है ए प्लस बी, हमको वही निकालना है। फिर इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से, यानी रिजल्टेंट। सो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये मत सोचना आप कि मैंने यहां पर ऊपर एरो क्यों नहीं लगाया, ये जो ए है इसकी लेंथ को बता रहा, यानी कि ये कोई नंबर है, आप ऐसे समझो ए बी और आर यहां पर नंबर है। सो आर की लेंथ कैसे निकालेंगे मैथमेटिक्स का यूज करके, ध्यान से देखना। इसको हमने डॉट करके एक्सटेंड कर दिया है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब कुछ नेमिंग कर लेते हैं, इसको नाम दे दो आप, सपोज दैट एक्स वाई जेड पी, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। हमें यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, एक्स पी जेड। अगर हमको एक्स पी पता हो और पी जेड पता हो तो क्या एक्स जेड पता है, समझ रहे हो आप ना, कि अगर हमको बेस पता हो परपेंडिकुलर पता हो तो हाइपोटेन्यूज हम लोग निकाल लेंगे, यही काम करना है। अब हमको एक्स पी नहीं पता है, हमें एक्स वाई पता है, तो हमें जरूरत किसकी है, वाई पी पहले निकाल लें, क्योंकि अगर हमको वाई पी मिल गया तो क्या मिल जाएगा, एक्स पी मिल जाएगा। सो एक्स पी इक्वल टू ए प्लस वाई पी, ए प्लस वाई पी। तो yp की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप, इन ट्रायंगल ypz cos थीटा, cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारा कितना हो जाएगा, yp हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। सो यहां से आ जाएगा yp इक्वल टू b cos थीटा। अब yp इक्वल टू b cos थीटा आ गया, अगर आप इसको इसमें पुट कर दो तो xp की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान से देखना आप, इसकी टोटल लेंथ हमारी कितनी मिल गई, a प्लस बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हमको pz की हाइट, ये pz की वैल्यू निकालनी हो, सो कैसे निकालेंगे हम लोग, हम लोग बोलेंगे इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल y p z, यहां पर अगर हम लोग साइन थीटा लेते, so sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular कितना हो जाएगा pz, hypotenuse कितना होगा, hypotenuse अभी भी b है, यानी कि pz equal to b sin theta। अब हमको pz भी मिल गया है, इसकी वैल्यू भी पता है कितनी है, b sin theta। इसको आप कॉपी कर लेना क्योंकि इसके बाद मैं रब कर दूंगा। यहां से आगे क्या लिख सकते हैं, अब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, देखो आप, हमें xp मिल गया है, हमें pz मिल गया, यानी बेस और परपेंडिकुलर मिल गया है, और निकालना है हमको हाइपोटेन्यूज। सो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल xpz क्या होता है हमारा, xz का स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर xp का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि pz का स्क्वायर। अब इसी में हमें सारी वैल्यूज को पुट कर देनी है। देखो आप, xz क्या था, xz की वैल्यू मैंने r माना था, सो r स्क्वायर इक्वल टू xp का स्क्वायर, xp की वैल्यू कितनी है हमारी, a प्लस बी कॉस थीटा है, a प्लस बी कॉस थीटा। सो a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस pz का स्क्वायर, pz यानी कि b साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर इसको एक्सपेंड करो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो आप, a स्क्वायर प्लस इसको और इसको, अगर इन दोनों में से हम लोग b स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
cos square theta plus sin square theta. 2ab cos theta भी हमारा वैसे ही रखा है, 2ab cos theta. हम सभी को पता है sin square theta plus cos square theta हमारा 1 होता है, so यहाँ पर value को put कर देंगे 1, यानी ये आएगा क्या, a square plus b square plus 2ab cos theta, ये आ गया है r square. यानी कि r की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इस फॉर्मूले से कोई भी दो वेक्टर्स किसी भी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं. हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग बोलते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, सपोज दैट मैंने बोला 30 डिग्री है, तो उसका मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये दोनों के टेल से टेल को आप ज्वाइन करो और जो एंगल बने वो है 30 डिग्री. ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं. इससे भी कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. जैसे सपोज दैट ये बॉडी है, मैं इधर फोर्स लगा रहा था मान लिया 50 न्यूटन का, आप जो है इधर फोर्स लगा रहे थे 30 न्यूटन का, और दोनों के बीच में जो एंगल था वो था 60 डिग्री. ठीक है, यानी कि मैं उधर खींच रहा था, आप इससे 60 डिग्री ऊपर खींच रहे थे, मैं 50 लगा रहा था, आप 30 लगा रहे थे. तो अब इस केस में हम लोग अपने कॉमन सेंस से इजीली नहीं बता पाएंगे. कॉमन सेंस से कब बता पाते हैं, जब डायरेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में आ तो लगे, या तो अपोजिट लगे, या 90 डिग्री लगता है तो भी बता लेते हैं. बट यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, यहां पर हमको सॉल्व करना पड़ेगा. यहां पर दो वेक्टर्स हैं, पहला इधर है दूसरा इधर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो हम लोग सीधे यूज कर देंगे फॉर्मूला कि रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ए और बी डेरिवेशन में क्या थे, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड थे. तो यानी कि यहां पर ये मान लो ए ये हो गया बी हो जाएगा, सो अंडर रूट 50 का स्क्वायर इन हो जाएगा 2500, बी स्क्वायर इन हो गया 900 प्लस 2 ए बी, यानी कि 50 इंटू 30 इंटू कॉस थीटा, सो कॉस 60. कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 2500 प्लस 900 प्लस 3000. कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये डिवाइड होगा, यहां पर आ जाएगा 1500, सो 15 9 34, 5 39 49 49 100, यानी ओवरऑल कितना निकल आएगा, 70 न्यूटन, अगर कैलकुलेशन मेरी सही है तो. ठीक है, सो 70 न्यूटन निकल आया. यहां पर बात हो गई मैग्नीट्यूड की. अब हमें एक चीज और भी निकालनी है कि भाई डायरेक्शन किधर होगा. हमको ये तो पता चल गया कि इन दोनों के चलते मैं 50 लगा रहा हूं, आप 30 लगा रहे हो, तो फिर मैग्नीट्यूड तो आ गया 70 न्यूटन नेट लगेगा, बट डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे. अब बात करेंगे डायरेक्शन की. ये था हमारा वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, सॉरी इसी पे बनाते हैं, ये था वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल था थीटा, इसको स्लाइड करवा के हमने यहां पर रखा था. चलो एक डायग्राम और बनाता हूं मैं, ये है वेक्टर ए, और जब इसको स्लाइड करवा के यहां पर रखा, ये है वेक्टर बी. रिजल्टेंट कौन सा था हमारा, ये जो लाइन थी, ये था हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि रिजल्टेंट. तो लेंथ तो निकालना हमने सीख लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. हमको चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब किधर लग रहा है. अगर आपको पता है कि ए इधर लग रहा है, सपोज दैट एक्स एक्सिस के अलोंग, तो रिजल्टेंट अगर मैं बोल दूं कि इससे 30 डिग्री ऊपर लग रहा, तो आप समझ जाओगे ना कि भाई ए तो इधर है, यहां से 30 डिग्री ऊपर, यानी कि जो रिजल्टेंट है इधर लग रहा. तो हमें यही बताना है कि ये वाला एंगल कितना है. सपोज दैट इसको हमने मान लिया फाई, ये वाला एंगल था थीटा, और यहां पर हमने वैल्यूज निकाली थी, ये वाली वैल्यू आई थी b sin थीटा,
और ये वाली टोटल वैल्यू कितनी आई थी, इसकी लेंथ थी ए और इसकी लेंथ थी बी कॉस थीटा। अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब देखो हमें फाई निकालना है, फाई का मतलब कि जो रिजल्टेंट है वो ए से कितने एंगल पे लग रहा। अगर ये चीज पता चल जाए तो हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। हमने क्या नेमिंग किया था मुझे याद नहीं, फिर से नेमिंग कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। सो अगर इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड लें, ये 90 डिग्री था, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहां पर आप देखो टेन फाई, अगर टेन फाई लें, सो टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वाई जेड, और बेस हमारा क्या है, एक्स वाई। सो टेन फाई इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू कितनी है, वाई जेड की वैल्यू है बी साइन थीटा अपॉन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी कि यहां से अगर हमको फाई की वैल्यू निकालनी हो तो फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, फाई इक्वल टू टेन इधर जाएगा, सो टेन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है हमारा फॉर्मूला डायरेक्शन का, इसको आप ध्यान रखना। अभी भी हो सकता है बहुत लोगों को ये ना क्लियर हुआ हो कि यहां से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं बोल दूं tan x इक्वल टू 1 है, tan x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है ना 45 डिग्री होगी क्योंकि tan 45 पे 1 होता है, ये चीज पता है। इसी तरीके से मैं बोल दूं कि tan p इक्वल टू रूट 3 है तो p की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। कहने का मतलब पता ये है कि अगर tan समथिंग की वैल्यू आपको पता है, कोई नंबर है, तो जो समथिंग है उस वो आप निकाल सकते हो। तो यहां पर हमने लिया tan phi। अब अगर आपको a दे दिया जाएगा, सपोज दैट कोई भी वैल्यू यहां पर a की दे दी गई, यहां पर b की भी आपको वैल्यू दी हुई है, थीटा भी आपको दिया हुआ है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, कुछ भी दिया हुआ है, सो आप b sin थीटा निकाल सकते हो, a प्लस बी कॉस थीटा निकाल सकते हो। तो यहां पर भी कोई नंबर आएगा, यहां पर भी कोई नंबर आएगा, और ओवरऑल डिवाइड होके भी कोई नंबर आएगा। सो अगर tan phi इक्वल टू समथिंग आपका कुछ निकल रहा है तो आप इस नंबर को देख के बता सकते हो ना कि phi की वैल्यू कितनी है। और अगर हमको पता चल गया phi की वैल्यू कितनी है तो phi कौन सा एंगल था, वेक्टर a से रिजल्टेंट का एंगल। सपोज दैट निकल आया कि tan phi इक्वल टू 1, यानी कि phi इक्वल टू 45 डिग्री, और आप बता दोगे कि भाई ये 45 डिग्री है, यानी अगर वेक्टर a इधर है तो यहां से 45 डिग्री पे लगेगा रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए भी हमने देख लिया कि कैसे निकालेंगे। एक चीज और, यहां पर मैंने एक टर्म का नाम नहीं लिया जो इस टॉपिक का नाम है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मुझे हालांकि सबसे पहले बताना चाहिए, बाद में बता रहा हूं, बट जरूरी है। ये जो लॉ है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ, ट्रायंगल ही लिखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, तो ऐड कैसे करते हैं, एक की टेल को दूसरे की हेड पे हमने रखा, ऐसे बना, तो यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ओवरऑल बन क्या रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखना एक और लॉ है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों हालांकि सेम ही चीजें हैं, कैसे सेम चीजें हैं देखना, ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोनों से जो वैल्यू आएगी सेम ही आएगी। ये है वेक्टर ए, सपोज दैट ये है वेक्टर बी, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बोला जाता है कि दोनों वेक्टर्स, देखो टेल से टेल हमने ज्वाइन किए हैं, अगर नहीं ज्वाइन होता तो स्लाइड करवा के पहले ज्वाइन करवा देंगे, ये बन गया,
अब इसी को आप ले जाके यानी कि कॉपी पेस्ट करना है, यहां पर ए तो रहेगा ही, एक ए यहां पर भी ऐसे स्लाइड करवा के यहां पर आप ए को रख दो, और बी को भी ऐसे आप स्लाइड करवा के यहां पर रख दो। सो ये है हमारा ए, और बी को भी जब हमने रखा तो कैसा बन गया, ऐसे बन गया। और ये बोला गया कि ये जो हमारा डायगोनल होगा जहां पर टेल टेल मिल रहे हैं, यहां से आप एक लाइन खींचो वहां पर जहां हेड हेड मिल रहे हैं, ये जो होगा डायगोनल यही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप ध्यान से देखो कि अगर इसी में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपली लगाते, इसको स्लाइड करवा के यहां पर लाके रखते, तो भी ये दोनों वैल्यू सेम होती। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, स्टेटमेंट अलग तरीके से दिए गए हैं, बट दोनों की चीजें जो दोनों से वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, और हमें अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना है जो अभी हमने डिराइव किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कर देना ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय।